ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे आओ मिर्ज़ा, इस रंग के लिए हम तुम्हें खुद तैयार करेंगे। तुम दुश्मन को चीर कर सकते हो और उनका ताव तुम्हें रोक ना पाए। इंशाल्लाह आपके ख्वाहिश और हुक्म की तामील होगी शहंशाह। और हम चाहते हैं कि जब तुम वापस लड़ो तो तुम्हारे कंधों पर फतेह हो और तुम्हारे कदमों में बाकी का सर। बेशक शहंशाह। शहंशाह, आपके फौज के सिपहसालार होने के नाते हमें यह हक नहीं, लेकिन आपके छोटे भाई होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या हुआ है आप? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना बेचैन कर रखा है? हम इस जंग में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने दिलो दिमाग से अपनी नाकाम मोहब्बत की खिर्च मिटा सके। मगर आप ये जंग क्यों कर रहे हैं भाईजान? आप किसकी मोहब्बत को भुलाना चाहते हैं? किसने कहा तुमसे ऐसा? आपके चेहरे ने भाईजान। हम सालों आपसे मिले नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप जब भी जंग का ऐलान करते हैं आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं गुरूर होता है। आपकी आंखों में बेचैनी नहीं फतेह की भूख होती है भाईजान। लेकिन आज आपने गुस्से में ऐलान किया, कुछ तो बदल गया है भाईजान, ऐसा जो आप में पहले कभी नहीं था। जंग के लिए कूच करो मिर्जा। जंग पे फतेह की जाएगी भाईजान, लेकिन वो फतेह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो आपके दिल का दर्द और जहन की बेचैनी कम नहीं कर सकती। वो तभी कम होगी जब आप उसे जीत ले जिससे आप मोहब्बत करते हैं। बताइए भाईजान, किससे मोहब्बत करते हैं आप? हमें किसी से मोहब्बत नहीं है मिर्जा। मोहब्बत और बेचैनी उसके पास होती है जिसके पास दिल, और हमारे पास दिल नहीं है, समझे? जी। अब जंग के लिए कूच करो और बिना फतह हासिल किए वापस मत लौटना। आपके पास दिल नहीं, ये आप हमें बता रहे हैं या खुद को? नजर उठाकर तक भी नहीं देखा हमारी और जलाल ने। आदम खान, जिसने मालवा जीता, उस आदम खान पर इतना यकीन नहीं कि चंदेरी के पठानों को दबा सके। हमें तो लगा था कि हम इस जंग में फतेह पाकर मुगल सल्तनत की शान को बढ़ाएंगे। नहीं, जलाल ने हमें मौका तक नहीं दिया। अम्मी जान, भाई मिर्जा हाकिम को भेज दिया जो खुद मोहब्बत का जख्म खाकर बैठा है, उसको भेज दिया। वो क्या लड़ेगा किसी से अम्मी जान? वो क्या मारेगा किसी को? गलत फहमी हो रही है आपको आदम खान। शेर जब जख्मी हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाता है। मिर्ज़ा हाकिम इस वक्त जख्मी शेर, मौत बनकर टूटेंगे वो दुश्मनों पर। जलाल में एक खूबी है जो आपको भी सीख लेनी चाहिए आदम। जलाल जिसका भी दामन थामते हैं उसके आखिरी वक्त तक वो उसको सहारा देते हैं। जलाल मिर्ज़ा हाकिम को इसीलिए जंग पर भेज रहे हैं ताकि उनके जहन से नाकाम मोहब्बत का मातम हट जाए। उनके साथ काबिल मान सिंह और तजुर्बेकार गुनाम खान भी। फतेह यकीनन मिर्ज़ा हाकिम की होगी और इससे उनका खुद पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। नाकाम मोहब्बत का सदमा फतेह के जश्न में दब जाएगा। रही बात आपकी आदत, तो ऐसी बात नहीं है कि जलाल का आप पर ध्यान नहीं है। इम्तियाज खान के साथ लड़कर आपने मुगल सल्तनत की इज्जत को बचाया है और इस बात को जलाल कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, ये बात और है कि उनके दिलो दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है ये हम आपको नहीं बता सकते, ये तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा। आप किसकी मोहब्बत को भुलाना चाहते हैं? बताइए भाईजान,
किससे मोहब्बत करते हैं आप? सलाम शहंशाह, क्या जोधा बेगम को खबर करे कि आप यहाँ आए हैं? नहीं, बल्कि रुकैया बेगम को पैगाम भेजना कि आज रात हम उनके साथ बिताएंगे। जब हमारे पास दिल ही नहीं है तो फिर ये गुस्सा, ये दर्द, ये चलन क्यों महसूस कर रहे हैं? सलाम शहंशाह, आपने याद फरमाया। अदगर साहब, जिस तरह हमने अदम खान को नजरअंदाज करते हुए चांदनी की बगावत रोकने के लिए मिर्जा हकीम को चुना, शायद वो बहुत लोगों को गलत लगा, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमने अपने भाई को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि हम जंग के शोर से उसके दिल की खालिश को खत्म कर देना चाहते हैं। आपने बजा फरमाया हुजूर, मिर्जा के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। मिर्जा एक काबिल सिपाही है, वो जब रियाज करते हैं तो उनका फन देखने के काबिल होता है, और हमें यकीन है कि मैदान जंग में भी वो दुश्मनों से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लेंगे। शुक्रिया अदगर साहब, उस भरोसे के लिए जो आपने हम पर और मिर्जा हकीम पर दिखाया है। तो इजाजत है हुजूर? फिलहाल नहीं अदगर साहब, अभी अभी आपसे दो काम और बाकी हैं। हुक्म करें शहंशाह। पहला, बाज बहादुर फिर से अपना सर उठा रहा है। हम चाहते हैं कि आदम खान को उसकी बगावत रोकने के लिए भेजा जाए। अगर हम चाहते तो आदम खान को ही चांदेरी की बगावत रोकने के लिए भेज सकते थे, लेकिन हमने उसे बाज बहादुर के लिए बचा कर रखना चाहा। बेशक शहंशाह, आदम खान को मालवा का तजुर्बा भी है और यकीनन उनकी फतेह होगी। और दूसरी बात शहंशाह? दूसरी बात अदगर साहब, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जो काम हमने आपको सौंपा था। जी हुजूर। समझ नहीं आ रहा शहंशाह को बेनजीर के विषय में कैसे बताएं। सुबह से कामकाज में भी इतने व्यस्त हैं वो, और बहुत क्रोधित भी हैं हमसे, और फिर हमें पता भी नहीं कि बेनजीर की बात सच भी है या नहीं। पता नहीं क्या करें हम मोती। छोटी अम्मी जान। अरे खाने खाना, आप यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई करते करते थक गए थे। अच्छा, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अम्मी जान की शायरी ज्यादा अच्छी लगती है, और पहेलियाँ पूछता भी। एक पहेली पूछे आपसे? हाँ पूछिए। तो सुनिए, परवरदिगार आप जो करे वो सही, आपको हमारा सलाम। बताइए क्या छिपा है इसमें? अभी बता देते हैं। इससे पहले आपने जो पहेली हमसे पूछी थी, उसके हर एक पंक्ति के पहले अक्षर को जोड़कर हमारा नाम बन रहा था जोधा अम्मी। अब आपने हमसे पहेली पूछी है, परवरदिगार आप जो कहें वो सही, आपको हमारा सलाम। तो इसमें परवरदिगार का प, आप जो करो वो सही का अ, आपको हमारा सलाम का आ, पा। ये कैसा शब्द हुआ रहीम? आ गए ना आप हमारे जैसे में, जरूरी तो नहीं इस बार भी हम पहले के लव जुड़े। इस बार उल्टा है, परवरदिगार का र, आप जो करे वो सही का ही, आपको हमारे सलाम का म, र ही म, रहीम हमारा नाम। अरे वाह, हार गई छोटी अम्मी जान, हार गई। देखा मोती, बचपन कितना अच्छा होता है ना, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, बस खेलना कूदना। हर बार हमारे सामने कोई ना कोई पहेली लाके रख देते हैं रहीम। पिछली बार भी जब देवर जी आए थे, बेनजीर के पत्र की बात कर रहे थे, तब भी रहीम, हमें भी लगा कि बेनजीर मुसलमान है, लेकिन फिर वो अपनी माँ को अवधी जुबान में क्यों पैगाम भेजती है? का कहूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी, अनबन मोसे काहे जी, भीतर
बसी हूँ जब तुम हुई हुई क्यों मैं बेगानी जी। मोती जल्दी धराओ, इस पत्र में बेनजी ने कोई संदेशा छिपाया हुआ है, हमें खोजना है कि वो क्या है। जरा देखो, हम पहले पंक्ति के आखिरी अक्षर को जोड़कर देखते हैं। जी जी म जी हे जी के री, नहीं इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पहले अक्षर को जोड़कर देखते हैं। काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी हुआ नहीं है। मोती शरपत जी बिल्कुल सही कह रहे थे, बेनजीर ही है जो यहाँ पर शहशाह को मारने आई है। इस पत्र में बेनजीर ने संदेशा भेजा है और ये संदेशा बेनजीर ने अपनी माँ को नहीं बल्कि उसे भेजा था जिसने बेनजीर को यहाँ पर भेजा था, यानी कि अबुल माली, यानी कि बेनजीर ही है वो जो यहाँ पर शहशाह को मारने आई है। बेनजीर हमारा तुमसे वचन है, हम तुम्हें ये काम कभी पूरा नहीं करने देंगे। कैसी हो बेनजीर? आदाब चौदह बेगम, अगर आप हमारे मिजाज पूछने आई हैं तो बता दें ठीक नहीं है। हम ये पूछने आए कि ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक हुआ नहीं है। कैसी बातें कर रही है जोता बेगम? देख रही है ना आप, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई भी काम करने की हालत में नहीं है। और क्यों करे, इतनी बांदियां हैं हमारी खिदमत के लिए। हम उस काम की बात कर रहे हैं जिसे करने के लिए तुम यहाँ पर आई थी, जिसके कारण तुमने अपनी माँ को पत्र लिखकर संदेशा भिजवाया था। यही लिखा था ना कि काम अभी तक हुआ नहीं है। शहनशाह की खास है, उनकी दिलजोई करना हमारा काम है, अपने खास की सफाई देना नहीं। ठीक है, यदि हमें नहीं तो स्वयं शहनशाह को उसका स्पष्टीकरण दीजिएगा। तो अब ये मामला शहनशाह के सामने रखना चाहती है, तो जाइए कह दीजिए, मजाक आप ही का बनेगा, शहनशाह ये खत देख चुके हैं और हमसे इसके बारे में सवाल भी कर चुके हैं। उनके हुक्म से ही पैगाम भेजा गया है चौदह बेगम। अब बेगम है और हम एक कनीस, क्यों हमारे पीछे पड़कर अपने औधे की शान को छोटा कर रही है। अब इजाजत हो तो हम आराम करना चाहते हैं, हमारी तबीयत नासाज है, बहुत दिनों से शहनशाह से मिलना नहीं हुआ, न जाने कब बुलावा आ जाए, उनके करीब जाना पड़े। जोधा बेगम आप ज्यादा ही गहराई में जा रही हैं, लगता है जलाल से पहले आपको डसना होगा हमें। ये क्या हो रहा है, शोर कैसा? अबुल माली समझता था कि मुगल जासूसों को धोखा देकर ये आगरा में छिप सकता है, मगर बादशाह की काबिलियत और मुगल फौज की ताकत को कम आका इसने।
अबुल माली है, ये वही है जिसके विषय में शरीफुद्दीन जी ने हमें बताया था। सुना है ये शहंशाह के बहनों ही हैं। शहंशाह का दुर्भाग्य देखो, उनके अपने संबंधी उनके शत्रु बन जाते हैं। अबुल माली के मुख को देखो, कोई दुख कोई पछतावे का भाव नहीं है उनके मुख पर। हर बार तुम्हें पछते रहे क्योंकि तुम हमारे बहनों ही हो, और तुम्हें क्या लगा कि जलालुद्दीन इतना कमजोर है कि वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता? हमारे ही शहर में रहकर हमारे ही खिलाफ साजिश रचोगे और हमें भनक भी नहीं होगी। तुमने जिस दिन से आगरा में कदम रखा है, हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हमारी निगाहें हर पल तुम पर थी ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लगा तुम कि एक अकेला मुगल सल्तनत को तबाह कर देगा? और फिर जब तुमने भागने की सोची तो लगा सरा एक बार तुमसे बात कर ली जाए। अदगर साहब, इसे दीवाने खास में पेश किया जाए। बेनजीर, बेनजीर, गजब हो गया बेनजीर, अबुल माली को शहंशाह के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। माशाल्लाह, ये क्या हो रहा है? सगीरा, अब क्या होगा? क्या लगा था अबुल माली कि हमारे शहर में रहकर हमारे खिलाफ साजिश रचोगे और हम खामोश बैठे रहेंगे? कावड़ में तुम शिकस्त खाकर पीठ दिखाकर भाग गए थे और अब हमारी पीठ पीछे वार करना चाहते हो, लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानते, जितनी हमारी निगाहें सामने दिखती हैं उतनी चारों ओर भी दिखती हैं। अब बताओ, यहां तुम्हारा जासूस कौन है? जब हमें पकड़ लिया है तो हमारे उस जासूस को भी पकड़ लीजिए, शहंशाह जलालुद्दीन। लगता है तुम्हें मौत का खौफ नहीं है अबुल माली। मौत से खेलने वाले मौत का खौफ नहीं रखते। सर पर मौत का कफन बांध कर आए हैं हम यहाँ पर। बहुत खूब, अच्छा हुआ तुम पहले ही अपने सर पर मौत का कफन बांध कर आए हो। अब तुम्हें दफनाने में देरी नहीं करेंगे। सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए, अगर इससे कोई भी मिला तो उसका सर काट दिया जाए। और रही बात तुम्हारे जासूस की अबुल माली, तो हम उनसे भी ढूंढ लेंगे। कई बार हमारे लोग हमें आगाह कर चुके हैं तुम्हारे से, अब शायद उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हम और मुगल सल्तनत दोनों तुमसे महफूज हैं। गलत फहमी है तुम्हारी शहंशाह, अबुल माली को पकड़ा है तुमने, उसके हथियार नहीं। महफूज नहीं हो तुम। अगर होशियारी ना बरती तो हमसे पहले पहुंचोगे खुदा के पास। हमें अच्छे से मालूम है हम आपके बहनों ही हैं, तो आप हमें जान से मार नहीं सकते। वो तो वक्त ही बताएगा अबुल माली, मगर मौत से पहले जन्म क्या होती है इस बात का एहसास तो तुम्हें जरूर दिलाएंगे। ले जाओ इसे। अभी बहुत क्रोधित है शहंशाह, शिवानी के घटनाक्रम से भी अभी उभरे नहीं है,
कैसे बताया उन्हें कि हम जानते हैं कि बेनजीर अबुल माली का हथियार है। जलाल हमारी बात सुनिए। शुक्र है बेगम, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे, अभी हम कुछ कहना है सुनना नहीं चाहते, हम आपसे बाद में मिलेंगे। मगर जलाल, शहंशाह ने रुकैया बेगम तक की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे। परंतु हमें प्रयास करना होगा। शहंशाह का क्रोध सहन कर सकते हैं हम, परंतु उनके प्राणों पर संकट नहीं। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें यकीन है जोधा बेगम, जब हम रुकैया बेगम से बात कर रहे थे आप यहीं थी, और हमें यकीन है कि आपके कान में इतने दुरुस्त हैं कि आपने सुना होगा जो हमने उनसे कहा। हाँ, परंतु बात ही कुछ ऐसी है कि जोधा बेगम, हम बात फिर से दोहराते हैं, अभी हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। हमें क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु हमें आपको बेनजीर के विषय में कुछ बताना है। यही ना कि बेनजीर अबुल माली के हरम से है, उसकी कनीज है, और हमें उससे खतरा हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, जोधा बेगम की बेनजीर के साथ 19 बांदियां और आई थी, और बेनजीर के साथ हमारी नजर उन 19 बांदियों पर भी है। शहंशाह, जोधा बेगम, बेनजीर को आपसे कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपसे कहीं गुना ज्यादा वक्त हमने उनके साथ बिताया है। अबुल माली से जल्द पूछताछ की जाए, और जरूर पड़ने पर सख्ती अपनाई जाए।